कुमार मौर्य। रैली एक्चुअली 20 जुलाई 2018 अविश्वास प्रस्ताव के समय ये मानसून सत्र में सभी लोगों ने देखा, पूरे भारतवासियों ने देखा और विश्व ने देखा कि संसद भवन के अंदर एक संवैधानिक पद पर, गरिमामयी पद पर रहते हुए देश के जिम्मेदार व्यक्ति और भारत के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने भारत को अखंड भारत बनाने वाला, जो विश्व विजेता बनाने वाले पौत्र का जन्म दिए, ऐसे चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी की है, ऊंच नीच जात की जो जातिगत बात की है वो अशोभनीय है। भारतवासियों को ये बड़ा निंदनीय लग रहा है और ठेस पहुंचा है कि लोकतांत्रिक पद पर होते हुए कोई भी व्यक्ति ऊंच और नीच कैसे बोल सकता है, जबकि पूरे देश को पता है कि अभी गुजरात के विधानसभा के समय किसी एक नेता ने माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया था, तो पूरे देश में आक्रोश था और माननीय प्रधानमंत्री जी रैलियों के दौरान रोकर बताए कि मुझे इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया। तो आज विश्व विख्यात अखंड भारत का निर्माण करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर ऐसी टिप्पणी बड़ी ही निंदनीय और अशोभनीय है, जिसे देश का हर नागरिक जो है निंदा करता है। और उन्हीं के वंशज सम्राट अशोक आज हम, चाहे वो प्रशासनिक तौर पर हो, चाहे राजनैतिक तौर पे हो, कहीं भी देख लें, लोग कहते हैं कि राज उसी का होता है जिसके तीन तंत्र होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इन ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये तीन चीज़ें क्या होती हैं जो राज को ये निर्देशित करती, निर्धारित करती हैं कि राज किसका है। एक होता है सेना, दूसरी होती है मुद्रा और तीसरा होता है ध्वज। आज गौरव की बात है, विश्व जानता है कि ये तीनों चीज़ों पर राष्ट्र मुद्रा हमारी जो है, चाहे 2 रुपये 1 रुपये का सिक्का हो, चाहे 2000 की नोट हो, आज भी अगर हम नज़र डालकर देखें तो उस पर विश्व विजेता सम्राट अशोक का लाठ है, इसलिए वो महान है। राष्ट्रीय ध्वज, जिसके झुकने से पूरे देश का सम्मान झुकता है, उस पर भी सम्राट अशोक का चक्र है, वो मौर्य वंश का चक्र है जिसमें लोगों को अभिमान है। और रही सेना, तो पहले हाथी घुड़सवार और पैदल होते थे, आज वायुसेना, थल सेना, जल सेना है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज जो भी हमारी सेनाएं हैं, चाहे हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, चाहे हमारे पुलिस के जवान हैं, उनको गौरवान्वित करने के लिए, गर्व महसूस करने के लिए जो स्टार दिया जाता है, जो वो ड्यूटी के समय होते हैं जो मुकुट पहनते हैं, पहले भारी भरकम मुकुट पहनते थे, आज टोपी पहनते हैं, तो वो तभी ड्यूटी पे माने जाते हैं जब उस कैप पे, उस टोपी पे सम्राट अशोक का लाट होता है। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य महान, सम्राट अशोक मौर्य महान। इस तरह से अखंड भारत के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? जी, अभी इसके बाद आप कर रहे हैं, यहाँ पर आवेदन देने के बाद अगर कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, आवेदन देने के बाद फिर भी ये भारत है और यहाँ संविधान चलता है, लोकतंत्र है, और निश्चित तौर पर लोकतंत्र की जीत होती है और हमेशा होती रही है। हमें पूरा विश्वास है कि आज मैं कलेक्टर महोदय के माध्यम से देश की जनता की तरफ से जो आक्रोश प्रकट करना चाहता हूँ, ज्ञापन देकर।